दुनिया के मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहा है तुर्की। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान में राजदूत ने बताया एर्दोगन का पूरा प्लान। पाकिस्तान में तुर्की के राजदूत मेहमद पकासी का बयान आया है, हमारे मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश है। कराची प्रेस क्लब में तुर्की के राजदूत ने यह बयान दिया। कश्मीर पर पाकिस्तान के सुर में सुर भी मिलाया गया। पाकिस्तान में तुर्की के राजदूत मेहमद पकासी ने कहा कि उनके देश की कोशिश मुस्लिम जगत को एकजुट करने की है। कराची प्रेस क्लब में बोलते हुए उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन, कश्मीर, इस्लामोफोबिया और साइप्रस ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर मुस्लिम दुनिया को एकजुट होना चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की कोशिश है कि इन बिंदुओं पर मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ लाया जाए और हम इसके लिए काम भी कर रहे हैं। मेहमद पकासी ने यह भी कहा कि इन मुद्दों पर तुर्की और पाकिस्तान का रुख संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक जैसा ही रहा है। कश्मीर का मुद्दा भी उठाया गया प्रेस क्लब में। दरअसल पाकिस्तान के एक मीटिंग हुई जिसमें तुर्की के राजदूत की ओर से एर्दोगन का प्लान पूरा बताया गया। पाकिस्तान के कराची में यह मीटिंग हुई। पाकिस्तान के कराची में तुर्की के राजदूत की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि तुर्की की यह कोशिश है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो एक साथ आएं, एकजुट रहें। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन, कश्मीर, इस्लामोफोबिया और साइप्रस जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर मुस्लिम दुनिया को एकजुट होना चाहिए। कश्मीर का मुद्दा भी इसमें उठाया गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की कोशिश है कि इन बिंदुओं पर मुस्लिम वर्ल्ड को एक किया जाए। एर्दोगन का पूरा प्लान कराची की प्रेस क्लब में हुई इस मीटिंग में वहां के राजदूत की ओर से रखा गया। पकासी ने यह भी कहा कि इन मुद्दों पर तुर्की और पाकिस्तान का रुख संयुक्त राष्ट्र साथ ही साथ इस्लामिक सहयोग संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक जैसा ही रहा है और आगे भी एक जैसा ही रहना चाहिए। ये प्लानिंग की गई है।